हे प्रभु, अब आप इस समस्या का समाधान कीजिए। आप इन सबको बताइए कि आपकी पूजा की विधि कौन सी सही है और कौन सी नहीं। सबको मेरी पूजा अपनी इच्छा अनुसार करने का संपूर्ण अधिकार है। मुझे कौन सी विधि सबसे प्रिय है ये मैं पूजा संपन्न होने पर ही बताऊंगा। समुदाय, ईशान समुदाय, तत्पुरुष समुदाय और वर्णादेव समुदाय, अब सभी कैलाश की चारों दिशाओं में अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अब इस भक्त के लिए क्या आदेश है महादेव? आप अपने आप को मेरा भक्त कहते हैं नारायण, और मैं आपको अपना आराध्य मानता हूं। यही कामना करता हूं कि मेरी पूजा आपके द्वारा ही संपन्न हो। एक संबंध की सफलता वो है जब शब्दों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, केवल आभास रहे, विश्वास रहे, जागरूकता रहे, संतोष रहे, बिना कहे ही दोनों एक दूसरे की बात समझ लें। अवश्य स्वामी, और दाम्पत्य जीवन के सफल होने का ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण भी है। फिर भी मुझे आभास हो रहा है पार्वती कि मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा कि मैं कितना धन्य हुआ हूं। तुम्हें पाकर मैंने कभी तुम्हारे प्रति आभार व्यक्त नहीं किए स्पष्ट शब्दों में। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? वही जिसका आभास मुझे प्रतिपल प्रतिदिन रहा है, किंतु मेरे शब्दों में यह भाव कभी भी स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित नहीं हो सके। मैंने कभी तुमसे धन्यवाद नहीं कहा, जबकि मुझे निरंतर इस बात का बोध होता रहा कि मेरी ये यात्रा तो तुम्हारे बिना संभव ही नहीं होती। पार्वती, तुम्हारे आगमन से केवल मुझे ही नहीं, समस्त संसार को, कैलाश को एक नया अर्थ मिला है। स्वामी, कृतज्ञता व्यक्त करके आप हमें ऋणी बनाना चाहते हैं? कृतज्ञ तो हमें होना चाहिए। आप तो सदैव संपूर्ण थे और संपूर्ण रहेंगे। के पश्चात आपने हमें हर रूप में स्वीकार किया
और हमारा जीवन परिपूर्ण किया। आप रुष्ट भी हुए, किंतु कभी भी आपने स्वयं को हमसे न पृथक किया और न होने दिया। तुमसे पृथक अपने आप को दंडित करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी पार्वती। नहीं स्वामी, हमें आभास है हमने आपको बहुत दुख दिए हैं, और जब आभार व्यक्त करने की बात हो सकती है तो क्षमा की क्यों नहीं। सर्वपरि तत्पुरुष शिवा है।
शिव को है सर्वस्व समर्पण शिव को। महादेव हमारी पूजा से इतने आनंदित हुए, इतने प्रभावित हुए कि निसंदेह उन्हें तत्पुरुष समुदाय की पूजा विधि सबसे अधिक प्रिय है। नहीं नहीं देवराज, आप महादेव की प्रसन्नता देख पाते जब हमने उनका अभिषेक किया था, दुग्ध की नदियां बहा दी थी, और आप देखिएगा ईशान समुदाय की विधि ही उनकी पूजा अर्चना के लिए सर्वश्रेष्ठ घोषित की जाएगी। महादेव को भस्म से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं, इसीलिए हमेशा वो भस्म रमाए रहते हैं, और हमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है उनको भस्म से विभूषित करने में। महादेव तो एक बेल पत्र से खींचे चले आते हैं, ये बात जगविदित है। बेल पत्र उन्हें सबसे अधिक प्रिय है, और देव समुदाय ने तो उनकी पूजा में उत्तम से भी सर्वोत्तम बेलपत्र का प्रयोग किया है। मुझे विश्वास है महादेव को जितनी प्रसन्नता हमारी पूजा से हुई, उतनी प्रसन्नता किसी और की पूजा से नहीं हुई होगी। शांत हो जाइए, सब स्पष्ट हो जाएगा। महादेव को आने तो दीजिए। पिताजी, आपकी इच्छा अनुसार सभी समुदायों ने आपकी पूजा की है, वे सभी आपका निर्णय जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। मुझे सभी भक्तों की पूजा विधि स्वीकार है, किंतु कोई विधि किसी से श्रेष्ठ नहीं, किसी की भी भक्ति किसी से श्रेष्ठ नहीं। श्रेष्ठ है तो केवल उस भक्त की भक्ति जो इस क्षण भी मेरी पूजा कर रहा है। प्रभु, वो कौन सा भक्त है? हाँ महादेव, आपके सभी भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी ने आपकी पूजा पूर्ण कर ली है। फिर आपका ये संकेत किस भक्त की ओर है? हाँ प्रभु, हम सभी भी यही जानना चाहते हैं कि आपका वो ऐसा कौन सा भक्त है जिसकी भक्ति से आप बेहद प्रसन्न हैं।